वेलकम टू पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। आप सभी का स्वागत है और हम कर रहे हैं एसएससी सीजीएल टियर 3 2017 के लिए पेपर कोड 1410। ओके, ये हमारा पेपर कोड है और अब कुछ ही दिन रह गए हैं आपके एग्जाम्स में। आप मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ पूरी पिनाकल टीम की, जो आपके पेपर्स इवेल्युएट कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, प्रिंट आउट्स ले रहे हैं, स्टेपल कर रहे हैं, टोटल कर रहे हैं, वी ऑल आर कीपिंग आर फिंगर्स क्रॉस्ड कि आप सब बहुत ही अच्छा करें। ठीक है, जितने मार्क्स आपके हमारे एग्जाम्स में आ रहे हैं उससे ज्यादा मार्क्स आए आपके, सो ऑल द बेस्ट। और इसी शुभकामना के साथ हम शुरुआत करते हैं। ये हैं हमारे टॉपर्स नूपुर पाती फ्रॉम कोलकाता वेस्ट बंगाल। रेगुलरली ये फीचर होती है, इनके पेपर्स फीचर होते हैं, फटाफट टेस्ट करके भेजती हैं हमें एक घंटे में। ये है इसकी टॉपर और टॉपर के मार्क्स कितने हैं, 76.5 मार्क्स। ये इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है। सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन पर जो दोनों स्टूडेंट्स हैं दे आर फ्रॉम द हिंदी मीडियम। अर्चना सीकर राजस्थान से हमें लिखकर भेजती हैं। ओके, इन्होंने कितना स्कोर किया है, इन्होंने 76 स्कोर किया है। और प्रभाकर पांडे जो है इन्होंने स्कोर किया है 75.5 मार्क्स। ओके, तो ये है हमारे तीनों टॉपर्स। ये देखिए, ये नूपुर पाती का पेपर, हर रोल नंबर इज हियर, हर पेपर कोड इज हियर, शी हैज अटेम्प्टेड अ लाइव टेस्ट। और लाइव टेस्ट का मतलब क्या होता है, लाइव टेस्ट का मतलब होता है कि जैसे ही रात को 9 बजे पिनाकल टीम ने पेपर को लाइव किया, इमीडिएटली इन्होंने एक घंटे के अंदर 10 o'clock तक पेपर देकर 10:05 तक हमें सबमिट करके भेजा है। जैसा एग्जाम आप वहां पर देंगे वैसा एग्जाम यहाँ पर है। ओके, सो शी इज गॉट अ वेरी गुड एंड 76.5। तो अब यहाँ पर देखिए मार्क्स के ब्रेकअप कैसे होते हैं। अभी तक भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जो इररेलेवेंट लिखकर भेज रहे हैं। देखो 250 वर्ड्स में रेलेवेंट लिखना बहुत मुश्किल नहीं है, तो जो 50 मार्क्स का आपका ऐसे है उसमें 10 नंबर रेलेवेंसी के लिए हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए 5 नंबर, उसके बाद वर्ड लिमिट आपको 250 से 240 वर्ड्स के बीच में लिखना है, एक्सीड मत करना, क्योंकि जो आपका फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हुआ था उसमें एसएससी ने 275 के बियॉन्ड काटा लगा दिया था, तो आप सेफ रहने के लिए 240 to 250 के बीच में लिखना। फिर आपकी कंटेंट क्वालिटी कैसी है, फॉर्मेट क्लियरली विजिबल 5 पैराग्राफ जरूर बनाएं, लिखावट कैसी है, इफेक्टिव सेंटेंसेस और कोहेसिवनेस। अगर आप नूपुर का पेपर देखें तो ऐसे में इनको बहुत हाई मार्क्स नहीं मिले हैं। ओके, ऐसे में बहुत हाई मार्क्स नहीं मिले हैं, पर लेटर में इन्होंने जबरदस्त लिखा है। ठीक है, अगर ऐसे का टॉपिक देखकर आपको लगे नहीं ये तो मुझे नहीं आता, लेकिन उसके बाद भी हतोत्साहित मत होना, उसको लिखना जो भी आता है, और उसके बाद जो लेटर है आपका उसमें जान लगाना। देखो इन्होंने लेटर में जान लगाकर ओवरऑल टॉप कर दिया। काफी स्टूडेंट्स हैं जिनके 35.5 से ज्यादा हैं ऐसे में, उनके पेपर्स में शेयर करूंगी आपको पता चलेगा, लेकिन इन्होंने लेटर में बहुत अच्छा लिखा है। ठीक है, तो फॉर्मेट के लिए 5 नंबर, लिखावट के लिए 5 नंबर है, इफेक्टिव सेंटेंसेस, वोकैबुलरी कैसी है, शब्दों का चयन कैसा है, क्या आप एग्जामिनर को इंप्रेस कर पा रहे हैं या नहीं, वो सब इफेक्टिव सेंटेंसेस में आएगा। और जिनकी स्पेलिंग एंड ग्रामर अच्छी होगी उन्हीं के इफेक्टिव सेंटेंसेस भी अच्छे होते हैं, क्योंकि अगर एग्जामिनर हर लाइन में ही अटक रहा है तो सेंटेंसेस इफेक्टिव नहीं होंगे, वो इंप्रेस नहीं होगा। कोहेसिवनेस यानी कि सामंजस्य, इसके लिए 5 नंबर, 35.5 ऐसे में और 41 लेटर में। तो टॉपिक क्या दिया गया था आपको, टॉपिक बहुत ही बढ़िया था, यूथ एम्पावरमेंट थ्रू डिजिटल इंडिया। यस, ये आपका टॉपिक था कि जो युवा सशक्तिकरण है, जो हमारे युवा हैं, डिजिटल इंडिया के माध्यम से युवा सशक्तिकरण, ये आपको टॉपिक दिया गया था। मैं नूपुर पाती का पेपर ले रही हूँ। ठीक है, नूपुर पाती क्या कहती हैं, अब आपको ये बताती हूँ। ओके, एवरी ईयर आर कंट्री प्रोड्यूसेस 7 lakh इंजीनियरिंग एंड साइंस ग्रेजुएट्स, बट 40% अमंग देम आर एम्प्लॉयबल। तो 7 lakh इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स में से केवल 40% ऐसे होते हैं जो रोजगार के लायक हों, एंड द रेस्ट 60% lack necessary skills to fulfill the needs of present requirement। आप अपने ऐसे को बहुत अच्छे डाटा से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स देकर स्टार्ट कर सकते हैं, कोई अच्छी सी कोट देकर स्टार्ट कर सकते हैं, या बेस्ट तरीका जो है आपका वो रिसेंट में अगर कोई करंट घटना हुई है जिससे आप अपने टॉपिक को एसोसिएट कर सकते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। देखो इन्होंने कितने अच्छे से स्टार्ट किया, ये कहती हैं कि 7 lakh इंजीनियरिंग ग्रेजुएट तो हैं पर उसमें से नौकरी देने लायक कितने हैं। ओके, नेसेसरी स्किल्स टू फुलफिल द नीड्स ऑफ प्रेजेंट रिक्वायरमेंट। सर्वे रिपोर्ट्स ब्लेम पुअर हायर एजुकेशन फॉर दिस, कि हमारा जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो जिम्मेदार है, बट वॉट आर द हिंड्रेंसेज इन अटेनिंग अ क्वालिटी एजुकेशन फॉर आर यूथ्स। यस, यू गेस्ट इट राइट, इट्स द रीच ऑफ क्वालिटी resources that can only be completely possible through digitalization and technology। underline kiya gaya hai part inka thoda sa, सेंटेंस स्ट्रक्चर गड़बड़ है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये जो यूथ है इनमें क्वालिटी हो, ये डिजिटलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से होगा।
In this digital era, one can easily get an access to the vast knowledge on every field by a single click from Reporters Corner of our world. Without depending on formal education, one can prepare oneself for cutting-edge technologies, excel in the field of science and technology through receiving and contributing over the internet. तो पैसे के पहले तो सबसे पहला पॉइंट उन्होंने क्या लिखा है कि इंटरनेट पर स्टडी कर कर भी जो यूथ है उसको एम्पावर किया जा सकता है, वो कटिंग-एज टेक्नोलॉजी सीख सकता है. Before science, literature and technology, our youths can get the various benefits of government schemes. इसके अलावा जो बहुत सारी government schemes हैं उससे हमारा youth फायदा उठा सकता है. And opportunities available online for their business venture. Yes, बहुत सारे businesses से संबंधित भी बहुत सारी जानकारी online available है, Digital India में available है. Apart from formal sector jobs, even the Digital India program itself has created lakhs of jobs, यहाँ पर होगा lakhs of jobs across the nation for its implementation and maintenance. Most importantly, on a broader outlook, this youth empowerment includes women empowerment, which contributes not only in women emancipation and financial independence. Yes, ये जो हम युवा सशक्तिकरण कर रहे हैं इसमें बहुत सारी महिलाएं भी तो हैं, okay? और इसमें महिलाओं को और आजादी भी मिलेगी, financial independence भी मिलेगा, वो सारा कुछ दिया है. But also in community and nation development, all these are possible through the process of digitalizing India. However, the claim of complete empowerment of our youth is yet to be fulfilled. It needs a more wide access and knowledge empowerment through Digital India for making India reach with demographic dividend. Okay? तो अगर आप देखें overall इनका ऐसे बस थोड़ा average से better है. लेकिन अब मैं आपको लेकर चलती हूँ इनके letter पर. लेटर पर जाने से पहले चलो ऐसा करते हैं, एक बार ऐसे के मार्क्स देख लेते हैं. रेलेवेंट तो था, तो 10 में से 6 नंबर हैं. हाईएस्ट हम 7 टू 7.5 दे रहे हैं. कोशिश करो कि आप इसके बीच में घुसाएं अपने मार्क्स को, ओके, 7 को टच कराएं. उसके बाद स्पेलिंग एंड ग्रामर इनकी ठीक ठीक थी, एक दो मिस्टेक्स थी, तो इनका डेढ़ नंबर कटा है 3.5. वर्ड लिमिट इन्होंने जो यूज़ किया वो ठीक था, विद इन रेंज था, 245 वर्ड सही है तो 4 नंबर. कंटेंट की क्वालिटी 6 नंबर के लायक थी, ओके. इसमें भी हम हाईएस्ट 7 टू 7.5 दे रहे हैं. फॉर्मेट यस क्लियरली विजिबल, 5 पैराग्राफ थे. लिखावट बहुत खूबसूरत. इफेक्टिव सेंटेंसेस 4, यहाँ पर भी हम 5.5 तक हाईएस्ट दे रहे हैं. और यहाँ पर कोहेसिवनेस में 4 नंबर, तो ओवरऑल इनको मिले 35.5. एंड नाउ लेट मी टेक यू टू द लेटर. ओके, लेटर में आपको क्या लिखना था? आपको लेटर लिखना था एडिटर को. और एडिटर कहाँ का है याद रखो, लोकल चैनल का एडिटर था. आप में से बहुत लोगों ने न्यूज़पेपर एडिटर को लिख दिया है. क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन को पढ़ें. मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में नाम दिया होता है कि लेटर लिखने वाला कौन है. हम आपको ऐसे भी दे सकते थे, यू आर प्रियंका राइट अ लेटर टू द एडिटर, यू आर उज्ज्वल राइट अ लेटर टू द एडिटर, यू आर दिव्याशा राइट अ लेटर टू द एडिटर. हम आपको ऐसे दे सकते थे और फिर भी आप लास्ट में साइन करते हैं एक्स वाई जेड. जब इस तरह से नाम दिया होता है वो एड्रेसेस में नहीं आता है, वो लास्ट में सिग्नेचर जब हम करते हैं ना, योर्स फेथफुली वगैरह लिखकर तब आता है नंबर एक. काफी बार क्वेश्चन में आपको नेम ऑफ प्लेस दिया होता है, जैसे हमने क्वेश्चन दिया था वो मिजोरम वाला कि आप एक हेड ऑफ द ट्राइब है मिजोरम में. अगर मिजोरम दिया है चुपचाप मिजोरम लिखिए. आप में से काफी लोगों ने मिजोरम की राजधानी को गलत लिख दिया था, ठीक है ना, वो आपको ध्यान देना है. क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, मिस्टेक्स मत करो. यहाँ पर क्या मिस्टेक किया आपने कि हमने आपको दिया है कि लोकल चैनल, ओके, स्थानीय होते हैं ना जो लोकल चैनल्स होते हैं वह, उसके एडिटर को आपको लिखना था. आप लोगों ने न्यूज़पेपर एडिटर को लिख दिया, तो देखो गड़बड़ हो गया. एड्रेस देखो यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, XPQ केबल नेटवर्क, तभी तो इनको एक स्टार मिला है. राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल चैनल टू टेलीकास्ट शो ऑन हिज चैनल अबाउट द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर ऑन आवर सोसाइटी. हमारे समाज पर जो पश्चिमी सभ्यता है उसके जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं उनके बारे में जो लोकल चैनल का एडिटर है उसको आपको लेटर लिखना है. तो 9A/C PQR कॉलोनी XYZ लेन MNP नागपुर, फिर एक लाइन छोड़कर डेट 19th June 2018, द एडिटर XPQ केबल नेटवर्क MNP नगर एटसेट्रा. इन्होंने पूरा लिखा, फिर ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से लिखा, रिक्वेस्टिंग टू ब्रॉडकास्ट शो ऑन नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर ऑन आर सोसाइटी. सर ओके, प्लीज अलाउ मी टू वेंटिलेट माई ग्रेव कंसर्न रिगार्डिंग द वेस्टर्नाइजेशन ऑफ कल्चर ऑन आर सोसाइटी इन रीसेंट टाइम्स. ओके, बहुत अच्छी शुरुआत,
Adopting of English language in every aspect is waning away our own lingua franca has become a trend specially among the youth. So, सबसे पहले तो ये कह रही हैं कि जो English भाषा है उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है हमारी भाषाओं पर. देखो बहुत ही broad सा topic था. Western culture जो है हमें कैसे impact कर रहा है, हमारे food को impact कर रहा है. Okay, हमारी society कभी भी fat society नहीं थी. हम तो simple से दाल चावल और सब्जियां खाने वाली एक vegetarian society है Indian की, ठीक है. तो मोटापा कभी हमारी समस्या नहीं था, मोटापा भी हमारी समस्या होने लगा है. ओके, इंटरनेट वगैरह जो है उसकी वजह से वी आर मोर एक्सपोज्ड नाउ. ओके, हमारे आउटफिट्स पर क्या कल्चर इम्पैक्ट है, सॉरी, हमारे जो म्यूजिक है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है. तो काफ़ी ब्रॉड था, आप अलग अलग एंगल से ले सकते थे. न्यूक्लियर फैमिलीज को भी हम वेस्टर्न कल्चर की देन ही मानते हैं, वर्किंग वेमेन को हम वेस्टर्न कल्चर की देन मानते हैं. तो इन्होंने स्टार्ट किया हमारी भाषा से. बियॉन्ड दैट, ब्लाइंडली फॉलोइंग वेस्टर्न आउटफिट्स, पॉप म्यूजिक, वेस्टर्न राइट्स एंड रिचुअल्स टू मेनली बिकम सो कॉल्ड एडवांस्ड एंड मॉडर्न हैव पोजेस्ड, इनकरेक्ट है, पोज्ड होना चाहिए, थ्रेट टू आर ट्रेडिशनल वेयर्स, क्लासिकल म्यूजिक एंड कस्टम्स. इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हम अपने आप को एडवांस्ड कहलवाना चाहते हैं. क्या आपने कभी देखा नहीं है, आपका कोई दोस्त होता है या कोई आंटी जी होती हैं जिनको इंग्लिश तो नहीं आती पर वो बीच बीच में ओ या इस तरह से करती रहती हैं. ओके, हैवंट यू सीन दिस. तो इस तरह की चीज़ों को इन्होंने हाईलाइट किया है. क्लासिकल म्यूजिक एंड कस्टम्स, फॉलोइंग सर्टेन इफेक्टिव कल्चर्स एंड इमिटेटिंग ऑल विदाउट कंसिडरेशन इज डिफरेंट. ऑल दो therefore in such cultural crisis your support and intervention is very much needed through broadcasting a show on your channel. आखिर में क्या कहती हैं कि आपका सपोर्ट चाहिए, आपका समर्थन चाहिए ताकि आप अपने चैनल पर ये शो दिखा सकें जो कि हाईलाइट करेगा, एड्रेस करेगा द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ दिस मिमिकिंग, ये जो हम ब्लाइंडली नकल कर रहे हैं. ठीक है, द रिलायबिलिटी ऑफ योर चैनल विल सर्टेनली ब्रिंग सम चेंज. थैंक यू, योर्स ट्रूली एबीसी और एबीसीडी. और यहां पर इन्होंने 157 वर्ड्स में लिखा है. तो लेटर अगर आप देखें इनका अच्छा था, एक दो केयरलेस मिस्टेक्स जरूर है. मैं हमेशा कहती हूं आप लोगों से रिवाइज करें. रेलेवेंट था, यस, 7.5 नंबर, बहुत अच्छी शुरुआत वगैरह. स्पेलिंग एंड ग्रामर इन प्लेस नहीं थी तो इनको केवल 2.5 नंबर मिले. वहां पर कुछ मिस्टेक्स थी. वर्ड लिमिट ठीक था, 3.5 नंबर. कंटेंट की क्वालिटी 6.5, फॉर्मेट बिल्कुल सही बनाई, क्लियरली लिखा, केबल नेटवर्क वगैरह 7 नंबर. थोड़ी कोशिश करो भाई एड्रेस वगैरह बनाने में. आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ ऐसे लिख देंगे एडिटर एक्स वाई जेड हो गया, केबल नेटवर्क लिखा, जब क्लियरली बोला गया केबल नेटवर्क, थोड़ा इमेजिनेटिव करो. लिखावट अच्छी थी, 3.5 नंबर. सेंटेंसेस बहुत इफेक्टिव थे, 5.5 नंबर. कोहेसिवनेस में 5. तो ओवरऑल इनको कितने मिले, 41 मार्क्स. जितने भी स्टूडेंट्स 40 को क्रॉस कर रहे हैं, ओके, मैं बताना चाहूंगी अधिकतर जो हाईएस्ट हैं वो 38, 39 इसके आसपास है मैक्सिमम स्टूडेंट्स के अब. ओके, लेकिन काफी स्टूडेंट्स हैं ऐसे भी करीबन 10-15 जो 40-41 को भी टच कर रहे हैं. सो शी इज वन ऑफ देम. सो वेरी वेल डन नुपुर, आपका लेटर अच्छा था बट स्टिल अभी भी आप केयरलेस मिस्टेक्स को कंट्रोल करें. अब मैं आपको हिंदी मीडियम के पेपर पर लेकर चलती हूँ. ये है अर्चना जी का पेपर, सीकर राजस्थान से. अर्चना ने भी पार्टिसिपेट किया है लाइव टेस्ट में, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं. डिजिटल इंडिया के माध्यम से युवा सशक्तिकरण, डिजिटल इंडिया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 1 जुलाई 2015 को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आरंभ की गई एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य देश को डिजिटल रूप में सक्षम व सशक्त बनाने का है. इस योजना में डिजिटल लॉकर, ई स्वास्थ्य, ई शिक्षा, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल, ई हस्ताक्षर आदि स्कीमों को शामिल किया गया है. अच्छी लाइन है ना, तो इस पे मैं स्टार दे दूं, यस दे देती हूँ. इसमें जिसमें 9 स्तंभों, ब्रॉडबैंड हाईवे, लोक हित पहुंच कार्यक्रम, सभी के लिए मोबाइल कनेक्टिविटी, ई क्रांति, ई गवर्नेंस, सभी को सूचना, नौकरी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं फसल कार्यक्रम और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण बनाकर नवीन तकनीक का प्रयोग कर सुचारू रूप से भारत की शासन व्यवस्था में सुधार लाया जा रहा है. डिजिटल इंडिया का मुख्य केंद्र युवा है. ठीक है, हम फोकस किस पर कर रहे हैं, हम इतना शोर मचाते हैं ना डेमोग्राफिक डिविडेंड. तो जो डिजिटल इंडिया है ये फोकस किस पे कर रहा है, यूथ पर कर रहा है. और टॉपिक भी तो आपका यही था, युवा सशक्तिकरण थ्रू डिजिटल इंडिया. इनको आईटी फॉर जॉब्स के तहत कौशल विकास कार्यक्रम, मैं कहना चाहूंगी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, स और श, ये शाम है, शाम, इवनिंग, ये विकास है, विकास, स,
दिस इज श, ओके, साउंड में भी फर्क है और ऑब्वियसली स्पेलिंग मिस्टेक तो हो ही जाती है। कार्यक्रम से जोड़कर प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार में मदद की जा रही है। नई दीक्षा जैसी मोबाइल ऐप लॉन्च कर ई शिक्षा के माध्यम से उनकी मांग पर सरकारी शासन और सेवाएं प्रदान कर युवाओं को सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ई क्रांति, ई गवर्नेंस आदि के माध्यम से शासन में पारदर्शिता आएगी, भ्रष्टाचार में कमी तथा युवाओं का सरकार व शासन पर भरोसा बनेगा। डिजिटल इंडिया के माध्यम से सभी को इसकी उपयोगिता से रूबरू करा हम हमारे समाज व देश को नवीनतम तकनीकों, ये तकनीकों है, ट जैसा लग रहा है पर एक्चुअली तकनीकों है, व सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में उन्हें अन्य विकसित देशों की तरह आगे बढ़ पाएंगे। भारत की इस युवा शक्ति जैसे महत्वाकांक्षी संसाधन का सही दिशा में प्रयोग कर पाएंगे तथा देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। अतः हमें इस अभियान को सफल बनाने में योगदान देना चाहिए। ओके, तो ये था इनका एसे, और इन्होंने एसे कितने शब्दों में लिखा है, इन्होंने जो एसे है वो लिखा है 255 वर्ड्स में। अब मैं आ गई हूँ इनके लेटर पर। परीक्षा भवन, क ख ग नगर, सीकर, 19 जून 2018। संपादक महोदय, देखो इन्होंने भी लिखा है च छ ज चैनल कार्यालय, क्लियरली बोला था ना, लोकल चैनल जयपुर, पश्चिमी संस्कृति का समाज पर नकारात्मक असर के संबंध में आपके प्रतिष्ठित विख्यात चैनल के शो के माध्यम से समाज के लोगों का ध्यान पाश्चात्य संस्कृति के नकारात्मक प्रभाव की ओर आकर्षित कर उन्हें जागरूक करना चाहता हूँ। आज की युवा पीढ़ी इस पश्चिम की चकाचौंध व विलासता भरी जीवन शैली की ओर खींची जा रही है तथा अपने मूल उद्देश्य से भ्रमित हो रही है। ऐसा माहौल शर्मनाक है। ऐसी जगह जो समाज व देश प्राचीन समय से अपनी संस्कृति व सभ्यता के लिए विश्व भर में जाना जाता था, आज वहां के लोग पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित हो नशा, धूम्रपान, अय्याशी, डिस्को, क्लब आदि में अपना अमूल्य समय व जीवन का लक्ष्य भूल एक अंधकार की ओर जा रहे हैं। अतः आपसे निवेदन है कि आप इस समस्या पर एक शो प्रसारित कर समाज को जागरूक करेंगे। लेटर भी अच्छा, ऐसे भी अच्छा, आउटस्टैंडिंग दोनों में से कुछ नहीं, ओके, कि बहुत ही बढ़िया हो भाई, इससे बढ़िया है तो था ही नहीं, ऐसा नहीं है। तो ऐसे में इनको कितने मिले, ऐसे में इनको मिले 50 में से 37.5 और लेटर में मिले इनको 38.5, तो ओवरऑल इनको कितने मिल गए, 76 मार्क्स। वेरी गुड अर्चना, ठीक है। और अब मैं आपको लेकर चलती हूँ प्रभाकर जी के पेपर पर। प्रभाकर जी जो है, लिखावट में इनके नंबर कुछ कम हो जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, वरना ये फर्स्ट पोजीशन पे भी आए हैं। डिजिटल इंडिया के माध्यम से युवा सशक्तिकरण, ये आपको टॉपिक दिया गया था। भारत एक युवाओं का देश है। आज के वैश्विक परिदृश्य में जिस तरह से डिजिटल क्रांति हुई है, भारत में भी डिजिटल इंडिया के माध्यम से युवा सशक्तिकरण एक सर्वोत्तम उपाय है। शिक्षा, रोजगार से लेकर गांव की खेती तक डिजिटलीकरण के माध्यम से युवाओं को सक्षम बनाना कहीं अधिक आसान है। देखो कितने अच्छे से बोला कि जो शहरों में रह रहे हैं पढ़ाई करेंगे ना डिजिटल इंडिया के थ्रू, ओके, ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ाई करेंगे, उनसे लेकर बिल्कुल गांव में जो खेती कर रहा है उन सबको हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यदि हम आज देखें तो युवाओं की सबसे प्रमुख समस्या जो है वो रोजगार है। बढ़ती आबादी को छोड़ कर इसका मुख्य कारण उपयुक्त शिक्षा की कमी भी है। यस, हम बहुत बार कहते हैं ना, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, सरकार पुरानी वाली के लिए रोजगार तैयार करती है, नया उसका डबल सेक्शन तैयार हो जाता है, वो सब हम कहते हैं। डिजिटल इंडिया के जरिए दूर गांव में भी युवाओं को उच्च स्तरीय शिक्षा तथा कृषि, स्वास्थ्य, रोजगार आदि से संबंधित जानकारी उपलब्ध हो रही है, परंतु अभी इसकी व्यापक पहुंच होनी बाकी है। शहरों में भी डिजिटलीकरण ने युवाओं को और अधिक सशक्त किया है, चाहे वो बैंकिंग क्षेत्र हो या प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा हो, हर क्षेत्र में युवा डिजिटल तकनीक का उपयोग पहले से अधिक कर रहे हैं। गांव से शहर तक युवाओं में जागरूकता बढ़ाना युवा सशक्तिकरण का प्रथम उद्देश्य है। यह जागरूकता फैलाना ही डिजिटल इंडिया का प्रारंभिक लक्ष्य है।
जिसमें ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन व्यापार, यहाँ तक ऑनलाइन रोजगार भी एक विकल्प उपलब्ध है। डिजिटलीकरण के माध्यम से युवा एक दूसरे से दूर रहकर भी आज सामाजिक मीडिया तथा अन्य माध्यमों से युवा शक्ति को परिलक्षित करते हैं। डिजिटल इंडिया युवा शक्ति को भारतीय विकास गाथा की ध्वज वाहक बना सकती है, बशर्त इसका दुरुपयोग ना हो, है ना। तो आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने कैसे कैसे वर्ड्स यूज किए हैं, बहुत ही बढ़िया इफेक्टिव सेंटेंसेस और ये सारी चीजें, ठीक है। तो इनको मार्क्स कितने मिले, इनको मार्क्स मिले 38.5, ठीक है। रेलेवेंस बहुत अच्छा था इनका, उसमें से वो 7 नंबर मिले। स्पेलिंग ग्रामर बढ़िया थी, 4.5 नंबर। वर्ड लिमिट ठीक था, 4.5 नंबर। कंटेंट की क्वालिटी बढ़िया थी, 7 नंबर। फॉर्मेट 4 नंबर। लिखावट नंबर कट गए केवल 3-5 में से। और इफेक्टिव सेंटेंसेस और कोहेसिवनेस में भी बढ़िया नंबर लाकर ये 38.5 पर थे। अब मैं आ गई इनकी चिट्ठी पर, चिट्ठी भी पढ़ देती हूँ आपके लिए। अ ब स क ख ग च छ ज कॉलोनी प फ ब उत्तर प्रदेश। फेक है, बिल्कुल फेक है, किसी का ऐसा पता नहीं हो सकता, तभी तो हम बार बार कहते हैं कि पता ऐसा हो जो देखने में भी फेक लगे। 19 जून 2018, संपादक सिटी न्यूज। देखा, सिटी न्यूज आ गया ना। त थ द ब्लॉक प फ ब उत्तर प्रदेश। विषय पश्चिमी संस्कृत की के नकारात्मक प्रभावों से संबंधित शो प्रसारित करने के संदर्भ में। श्रीमान, मैं ट ठ ड एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और आपसे उपरोक्त विषय के संबंध में अनुरोध करने के लिए यह पत्र लिख रहा हूँ। आज समाज में पश्चिमी संस्कृति का बोलपाला इतना हो गया है कि अब इसके नकारात्मक प्रभाव भी दिखने लगे हैं। बच्चे माता पिता से अन्यथा ही झगड़ा करते हैं। यस, वेस्टर्न कल्चर, वहां पर बच्चों से कहते हैं ना, अगर तुम्हें मार रहे हैं तो तुम्हारे राइट्स हैं और तुम्हें इस पर्टिकुलर नंबर पर फोन करना चाहिए। मेरे काफी रिलेटिव्स हैं विदेशों में, ठीक है ना, उनके बच्चों को स्कूलों में बता देते हैं कि देखो अगर तुम्हारे घर पे कोई तुम्हारे माँ बाप तुम्हें मारे तो तुम्हें इस नंबर पर फोन करना है। वहां पर छोटी छोटी चीजों में केस वगैरह हो जाते हैं। ओके, तो फिर ऐसे बच्चों के माता पिता क्या करते हैं, वो जब वो इंडिया आते हैं तो अपने बच्चों पर पूरी भड़ास निकालते हैं। यहाँ पर उनको जम के कूट सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये तो जरूर है कि हमारे मन में जो इज्जत और आदर होना चाहिए हमारे बुजुर्गों के लिए, माता पिता के लिए, वो कम हो रहा है, उस चीज को इन्होंने हाईलाइट किया है। अलग होके रहने का प्रचलन बढ़ रहा है। न्यूक्लियर फैमिलीज, जो मैं कह रही थी, एकल परिवार, लोग दिखावे की जिंदगी जीना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल, वह यह भूल रहे हैं, ये यहाँ पर वे होना चाहिए, वे भूल रहे हैं कि पश्चिमी संस्कृति को अपनाने के चक्कर में अपनी संस्कृति खोती जा रही है। अन्य भी कई नकारात्मक प्रभाव हैं। कृपया इससे संबंधित एक शो अपने चैनल पर प्रसारित करें ताकि लोगों में जागरूकता आए, वे अंधानुकरण बंद करें। अंधानुकरण क्या होता है कि हम ब्लाइंडली आंख मूंद कर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना, वो चीज जो है वो खत्म हो जाए। आपका सहयोग समाज हित में आवश्यक है। और इन्होंने फिर साइन किया, ओके, और इन्होंने 148 वर्ड्स में लिखा है। इनका लेटर भी अच्छा था और लेटर में इनको ओवरऑल 37 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। तो ये थे जो तीन टॉपर्स थे, उनके एसेज, उनके लेटर्स। और अब मैं आपको प्रभव के पेपर पर लेकर चलूंगी। प्रभव ने हमें कोलकाता से लिखकर भेजा है, ठीक है। और मैं आपके लिए क्या ले रही हूँ प्रभव का, मैं आपके लिए ले रही हूँ प्रभव का एसे। ऐसे इन्होंने अच्छा लिखा है, वही ले रही हूँ। अब ये लिखते हैं, ड्यू टू इट्स लार्ज यंग पॉपुलेशन, इंडिया हैज अ ह्यूज यूथ पोटेंशियल टू टैप डेमोग्राफिक डिविडेंड, एंड व्हाट बेटर वे टू एम्पावर द यूथ देन डिजिटल इंडिया मिशन। द मिशन एंड एनविजनमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज द ईयर मार्किंग्स टू रेवोल्यूशनराइज यूथ एम्पावरमेंट इन द एज ऑफ मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। The first and foremost way to empower the youth is to hone their skills. अब हम youth empowerment की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप उनकी skills को अच्छा कीजिए, hone their skills for industrial challenges. क्योंकि हम क्या देखते हैं कि हमारी जो education है वो industry के लिए suitable नहीं है। In words of a former TCS CEO, a majority of college pass outs don't have the necessary skill set to join the workforce. Digital India can be the pankia for bridging the academia industry gap through several government or industry sponsored courses available online at minimal cost. NPTEL
An online forum by the IIT strives to offer valuable courses to students online. Recently, the HRD ministry even started recognizing degrees imparted through distance learning programs. Digital India will further create a platform for such revolutionary initiatives. Digital India also envisions to provide basic internet connectivity to rural India. This again will bring the rural youth to the fore, who till now were kept aloof from all the fruits of digitalization. Digital India has and will further create more jobs in the IT industry. Combined with Make in India, it will encourage FDIs and FFIs, thus boosting the service sector. Several startups have sprung up through the medium of Digital India, which has further led to empowerment of the youth. Thus, through Digital India, the slogan Jai Jawan is all set to get its long-term due. Okay? देखो आपके इंटरप्रिटेशन पर है, जवान हम युवाओं को भी कहते हैं. इनका बहुत ही बढ़िया ऐसे था और इन्होंने देखो शुरुआत बहुत अच्छी की, एंडिंग बहुत अच्छी की. आपको एक्स्ट्रा एफर्ट दिख रहा है बिगिनिंग में और कंक्लूजन में. बिगिनिंग में बिल्कुल ना कि डेमोग्राफिक डिविडेंड इतना अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमें इसको स्किल्ड करना है. फिर कैसे कैसे स्किल्ड करना वो सारा इन्होंने कवर किया. वेरी गुड प्रभव. और प्रभव को मार्क्स कितने मिले हैं ऐसे में? 40 मार्क्स मिले हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर आप दोनों बहुत अच्छे लिखे तो आप टॉपर्स में आ जाते हैं. कुछ एक चीज अच्छी लिखोगे तो आपका पेपर बस टॉपर्स वीडियोस में आएगा. वेरी गुड प्रभाव. नेक्स्ट टाइम लेट देयर बी एन एडिशन ऑफ एडिशनल 2 मार्क्स हियर. ओके, लेट इट बिकम 42. आई वुड लव टू सी दैट. ये है पूनम. पूनम ने लिखकर कहां से भेजा? लखनऊ उत्तर प्रदेश से. चलिए इनका पेपर देखते हैं. ओके, सिंपल सी शुरुआत, जो चीजें हम रोज देखते हैं उसको उससे इन्होंने शुरुआत की. आज हम घर बैठे अपना बिजली का बिल, हाउस टैक्स, डीटीएच रिचार्ज और पैसों का लेन देन आदि का भुगतान करने में समर्थ हैं. यह सब डिजिटल इंडिया का ही करिश्मा है, जिसमें तकनीक का प्रयोग महत्वपूर्ण है. डिजिटल इंडिया का सपना सर्वप्रथम हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने देखा था, जिस पर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अत्यधिक जोर दे रहे हैं. ठीक है, देखो मैं एक चीज आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि इन्होंने बहुत अच्छे से शुरुआत की. जो हम सिंपल सिंपल सी चीजें करते हैं वो सब अब हम डिजिटली कर रहे हैं. कुछ एक स्टूडेंट्स ऐसे थे, करीबन 10 पेपर्स हमें ऐसे मिले जिसमें स्टूडेंट्स ने बिगनिंग में एक छोटी सी स्टोरी लिखी कि ओ दिस हैपेंड इन माय हाउस लास्ट वीक, मेरे घर में ये पिछले हफ्ते ही हुआ था, कि मेरे पिताजी ने कहा कि आज मुझे बिजली का बिल जमा करवा के आना है, आज मुझे हाउस टैक्स भर के आना है, आज मुझे भाई के लिए एक खाता खुलवा कर आना है, और जब तक पिताजी रेडी हुए मैंने फटाफट सारा ऑनलाइन कर दिया. और इस तरह से, ठीक है, देखो आप कोई स्टोरी लिख सकते हैं. मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप स्टोरी नहीं लिख सकते हैं, पर आप लोग उस स्टोरी को लिखने में ना इतने डिस्क्रिप्टिव हो सकते हैं कि फिर पिताजी ने ये कहा, फिर मैंने ये कहा, फिर पिताजी ने ये कहा, ऐसा करने लगते हैं कि आपके करीबन 100 शब्द तो वो स्टोरी बताने में खत्म हो जाते हैं. इन्होंने स्टोरी तो नहीं लिखी, लेकिन जो स्टोरी बाकी लोगों ने लिखी उसी को इन्होंने बड़े सिंपली कर दिया कि हम घर बैठे बहुत कुछ कर सकते हैं. और ये क्यों पॉसिबल हो रहा है? ये डिजिटल इंडिया के थ्रू पॉसिबल हो रहा है. कोई स्टोरी लिखो ना तो स्टोरी का जो सार निकल कर आता है उस पर ज्यादा फोकस करके इमीडिएटली कम टू द टॉपिक. ओके, डोंट टेल मी द होल स्टोरी, पूरी स्टोरी मत सुनाओ हमें, उसमें आपका ही नुकसान है, फिर क्वालिटी कंटेंट कहाँ रह जाएगा. तो डिजिटल इंडिया का ही करिश्मा है, जिसमें तकनीक का प्रयोग महत्वपूर्ण है. ये सब हमारा हो गया था. आगे देखो, आज डिजिटल इंडिया के माध्यम से भारत की जनता को तो फायदा हुआ ही है, परंतु इसका सबसे ज्यादा असर भारत के युवाओं पर हुआ है. युवाओं हेतु अनेकों प्रकार के रोजगार का सृजन हुआ है, अर्थात युवाओं का समग्र रूप से विकास हुआ है. डिजिटल इंडिया एक बहुउद्देश्यीय कदम है, जिससे युवाओं को बैंकिंग सुविधाएं, रेलवे सुविधाएं, रोजगार की सुविधाएं और अन्य आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं. इसके द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी उत्पादन, वितरण, प्रबंधन आदि क्षेत्रों में पारदर्शिता आई है. सरकारी योजनाओं का संचालन सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं इत्यादि का विवरण प्राप्त होता है. युवाओं को डिजिटल इंडिया का भागीदार बनाने के लिए उन्हें कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है. सूचना का अधिकार आदि से यहाँ युवाओं को अनमोल जानकारियां एवं आंकड़े प्राप्त होते हैं, वहीं उन्हें इस क्षेत्र आईटी में रोजगार भी प्राप्त होता है. परंतु आज भारत के कुछ युवा इस सुविधा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. भले ही पारदर्शिता आई है, किंतु डाटा
लीक होना, देखो इन्होंने अलग एंगल भी यूज किया कि डिजिटल इंडिया तो हो रहा है लेकिन कुछ ये भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि डाटा का लीक होना एवं उसका दुरुपयोग होना आदि इसके नकारात्मक पहलू हैं, जिनसे निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्थाएं अच्छे स्तर की होनी चाहिए। निश्चय ही डिजिटलीकरण ने इंडिया का वैश्विक मंच पर अच्छा स्थान दिलाने में कामयाब है, परंतु थोड़ा सा यहाँ पर ना कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर में गड़बड़ है, परंतु साइबर सुरक्षा से इस व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकता है। तो ओवरऑल इनका अच्छा था, इनको वेरी गुड मिला। दिस इज सुधा चंदन मिश्रा पेपर। सुधा चंदन मिश्रा, व्हाट इज ही नोन फॉर? ही इज नोन फॉर यूजिंग ब्यूटिफुल सेंटेंसेस। तो इनका जो इफेक्टिव सेंटेंसेस वाला सेक्शन है ना वो बढ़िया होता है। पढ़ते हैं इनका पेपर आपके लिए। डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ इंडिया इंडिकेट्स दैट आर कंट्रीज ब्लेस्ड विद अ वाइब्रेंट यंग पॉपुलेशन रेयरिंग टू मेक एन इम्पैक्ट। देखो आप में से बहुत सारे लोगों ने लिखा कि हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन है उसमें युवा है, वी आर ब्लेस्ड विद अ डेमोग्राफिक डिविडेंड। लेकिन क्या आपने ऐसे वर्ड्स यूज किए कि वी आर ब्लेस्ड विद अ वाइब्रेंट यंग पॉपुलेशन विच इज रेयरिंग टू मेक एन इम्पैक्ट। जब ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करोगे तभी बढ़िया नंबर आएंगे, सिंपल भी लिखोगे तो भी बढ़िया ही आएंगे। नहीं आता ऐसा लिखना और फिर लिखने की कोशिश करोगे, गड़बड़ करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। द प्लेटफॉर्म टू चैनलाइज दिस एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाई डिजिटल इंडिया। The youth today have the world at their fingertips with savvy smartphones and fast internet. However, can this ocean of information really harness the potential of the generation? Digital India campaign can provide the springboard for the youth to aim for the moon. Beautiful lines. For instance, the Swayam initiative of the government strives to disseminate knowledge right from school level till post graduation for free. Thus, all one needs is a smartphone and internet to educate oneself. Similarly, the Khelo India scheme through their mobile application appeals to the youth all around the country to take up sports. Likewise, platforms like Skill India encourages participation through their websites to the young people who are interested in vocational trainings. Moreover, Digital India has made the youth more aware of the opportunities like jobs, scholarships, etc. It is indeed true that with great power comes great responsibility. The youth now powered by information is more vulnerable to fake news. With all the social media sites vying for our attention, particularly the youth, it is an impending danger that the potential our youth will be wasted in the internet. थोड़ी गड़बड़ थी वहाँ पर। Digital India can prove to be a double-edged sword which can both empower and destroy the youth. Therefore, we need to move with utmost caution to power our youth with digital super power. Okay? तो ये था इनका essay. और ये सीतापुर यूपी से हमारे स्टूडेंट हैं, ओके, इन्होंने भी लाइव टेस्ट दिया है। अब तो सभी लाइव टेस्ट की तरफ जा रहे हैं, आप लोग भी जो थोड़े बहुत रह गए हैं बच्चे, कुछ लोग नहीं दे रहे लाइव टेस्ट, दे दीजिए भाई, ठीक है। अब देखो ध्रुवेंद्र शर्मा क्या कहते हैं, ये कहते हैं डिजिटल इंडिया हैज ओपनड अ विंडो ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर यूथ्स एज ई ट्यूशन इज ऑन बूम एंड एन इंडियन पर्सन कैन गिव ट्यूशन टू अ चाइल्ड इन लंदन। ऐसा हो रहा है ना, हम काफी तरीकों से पढ़ाते हैं और ट्यूशन वाला भी पुराना तरीका चला गया। इंडियन बिजनेसेस एंड रूरल आर्ट एंड टेक्सटाइल्स कैन फाइंड इंटरनेशनल बायर्स। दस न्यू जनरेशन इज मोटिवेटेड टू परस्यू देयर एंसेस्टर्स आर्ट। यहाँ पर एंसेस्ट्रल भी हो सकता था। इंडीड स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट आर अप्रिशिएबल इज इनकरेक्ट है। हाउएवर मोर वर्क नीड्स टू बी डन। यूथ्स आर बेनिफिटेड बाय दिस स्कीम बट इंटरनेट फैसिलिटी हैज नॉट रीच्ड एट एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री। मोर वर्क नीड्स टू बी डन ऑन ग्राउंड लेवल। ये है विजय कुमार शर्मा, ओके। विजय कुमार शर्मा साहब जो हैं, इन्होंने हमें लिखकर भेजा है मोहिंद्रगढ़ हरियाणा से, ओके, मोहिंद्रगढ़ हरियाणा से लिखकर भेजा है और इनका जो एसे है आपके लिए वो ले रहे हैं। लिखते हैं, डिजिटल इंडिया लुक्स लाइक टू वर्ड्स बट एक्चुअली कवर्स अ वाइड डोमेन ऑफ स्कीम्स दैट आर हैविंग द सिंगल एम ऑफ मेकिंग इंडिया डिजिटली एम्पावर्ड नेशन। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ब्रॉट अ रेवोल्यूशन इन कंप्यूटर सेक्टर बट ऑल आर वर्क्स इन पब्लिक ऑफिसेस वर डन थ्रू मैनुअल मेथड्स। विद द डिजिटलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट्स अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज गॉट ओपन्ड
up for our youth. A large part of which is already computer literate and the rest can be trained. Digital India not only improves efficiency of government, it also aims at connecting all the parts of India. Be it village or city, using a common network, our youth, which was bereft of good internet connection for a long time, is empowered with easily and cheaply available internet services. Using the internet, our youth can learn new things in the comfort of their homes and thus can upgrade these skills for better employment. With the advent of Aadhaar, which digitally stores the identity of every registered citizen, we would require a lot of Aadhaar centers, a large number of computer literates, which will definitely provide employment to our youth. And not only Aadhaar, government is providing other services like digital locker, online registration for hospitals to avoid queues, registration for applying for driving license, etc., which would not only require a good amount of infrastructure but huge manpower to implement and maintain. With a huge amount of potential and unlimited benefits of Digital India, in the long run, the youth and other citizens of the country would be the ultimate winners. देखो इनका ऐसे बताओ क्या अच्छी बात है इनके ऐसे के बारे में, विजय कुमार शर्मा के बारे में कोई बहुत हाई फाई वर्ड्स या हम कहें कि इनको ऐसा इनका ऐसे नहीं है जिसमें कि ये स्कीम वो स्कीम इन्होंने बताई हो. बड़ी सिंपल सी भाषा में इन्होंने चीजें लिखी हैं. शुरुआत इन्होंने की और उसके बाद इन्होंने कितने अच्छे से बताया कि अब आधार हो रहा है और किस तरह से जो युवा है उनके लिए जो इंटरनेट है वो जॉब्स वगैरह भी क्रिएट करेगा. सो वेरी नाइसली एंड सिंपली रिटन ऐसे, वेल डन. ओके, मोनिका यादव जी के पेपर पर आ गए हैं. मोनिका यादव भी हमारी स्टूडेंट है, ऑलरेडी एसएससी क्लियर है, ये नागपुर पहुंच गई हैं. अब ये क्या लिखती हैं, डिजिटल इंडिया हाल के समय में आई एक ऐसी क्रांति है जिसने व्यापार, उसके बाद है पैसे के लेन देन, मनोरंजन, टैक्स भुगतान करने के तरीकों को नए आयामों से जोड़ दिया है. डिजिटल इंडिया का मुख्य लक्ष्य समस्त भारत को पेपर रहित तथा भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है. डिजिटल इंडिया ने युवा वर्ग को बेहतर विकास के अनेक माध्यम उपलब्ध कराए हैं. देश का युवा वर्ग, जो किसी भी देश का उज्जवल भविष्य आंका जाता है, उस युवा वर्ग के सशक्तिकरण के लिए डिजिटल माध्यमों ने अनेक स्रोत सृजित किए हैं. आज लगभग देश के अधिकतर युवाओं के पास स्मार्टफोन है. सस्ती कीमतों पर इंटरनेट की सुविधा के माध्यम जहां वे ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, वहीं ग्रामीण पिछड़े इलाकों में रहने वाले युवा देश के समसामयिक विषय के बारे में जान सकते हैं और अपनी राय प्रस्तुत कर सकते हैं. डिजिटल इंडिया ने जहां बहुमूल्य समय की बचत की है, वहीं युवाओं को नई टेक्नोलॉजी से जोड़ा है. अब विभिन्न सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए उन्हें दर दर भटकने की जरूरत नहीं है. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाकर वे सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, चाहे वह पढ़ाई के लिए ऋण की सुविधा हो या स्कॉलरशिप प्राप्त करने की. हालांकि डिजिटल इंडिया की पूर्व सफलता देश के प्रत्येक वर्ग पर निर्भर करती है, अभी भी लोग ऑनलाइन गतिविधियों से अवगत नहीं हैं. सुदूरवर्ती इलाकों के युवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कई आवश्यक कदमों की आवश्यकता है. निश्चित तौर पर जहाँ डिजिटलाइजेशन से देश पेपर रहित व भ्रष्टाचार मुक्त तौर पर हुआ है, जहां डिजिटलाइजेशन से हुआ है, वहीं युवा स्वयं को अधिक सशक्त और सुरक्षित महसूस करता है. 253 वर्ड्स. अब देखो कितना बढ़िया इनका पेपर है, मन करता है ना पढ़े. साफ साफ हैंड राइटिंग, बहुत अच्छा बॉक्सेस का यूज, रेलेवेंट कंटेंट की क्वालिटी बढ़िया, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह कुछ भी नहीं है, बहुत बढ़िया इन्होंने लिखकर भेजा है. और मोनिका, अगर आप ये वीडियो देख रही हैं, हमें पता है कि आप अपने रैंक इंप्रूवमेंट के लिए कोशिश कर रही हैं, एंड आई जस्ट होप राइटिंग वेरी वेल, इस बार आपको आपका मनपसंद रैंक मिले. ये हमारी पिनाकल टीम की तरफ से आपको ऑल द वेरी बेस्ट है, ठीक है. तो चलिए अब हम अगले पेपर पर चलते हैं. दिस इज मोहित कुमार्स पेपर. मोहित कुमार रानीबाग दिल्ली से लिखकर भेजते हैं, ओके. और ये दिल्ली से क्या लिखकर भेजते हैं, चलिए अब आपके लिए वो हम लेते हैं, ठीक है. ऐसे इनका मैं ले रही हूं. The world is changing at a lightning pace. बिजली की गति से दुनिया बदल रही है, बिल्कुल सही बात है, okay? As an emerging superpower,
और कैसे बदल रही है दुनिया, दुनिया जो है इमर्जिंग सुपर पावर बन रही है। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी और अभी जब मैं देख रही थी कि वीडियो में मुझे क्या क्या पढ़ना है, तो सच में बहुत ही बदल गई है दुनिया। जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थी तो उस टाइम बाकायदा एसटीडी बूथ्स हुआ करते थे, हम 9 बजे का वेट करते थे कि जाएंगे और कॉल रेट्स कम हो जाएंगे। आई बिलोंग टू जमशेदपुर, तो वहाँ पर मैं कॉल किया करती थी अपने पेरेंट्स को एंड दे वुड ऑल्सो गो टू सम प्लेस रिसीव द कॉल। और अब देखो ये एसटीडी बूथ भी लुप्त, चिट्ठियां लिखना भी लुप्त। मेरे फादर मुझे हर हफ्ते चिट्ठी लिखा करते थे, आई स्टिल हैव दोज लेटर्स। ठीक है डिजिटलाइजेशन हो गया है बट दोज लेटर्स आर एक्चुअली प्राइसलेस। ठीक है ना, देखो मुझे प्राइसलेस की, आई एम गेटिंग इमोशनल, तो मेरी प्राइसलेस की स्पेलिंग भी गलत हो रही है। बट एनीवे आजकल टाइम हैज रियली रियली चेंज्ड। ओके, अब मेरे तो छोटे बच्चे भी साथ में कहते हैं मम्मा वन सेल्फी। ओके, टाइम हैज रियली चेंज्ड। अब देखते हैं, एज एन इमर्जिंग सुपर पावर इंडिया नीड्स टू कीप अप विद द ग्लोबल ट्रेंड्स। आर प्राइम मिनिस्टर अंडरस्टूड द नीड ऑफ द आवर एंड ही लॉन्च्ड द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। तो फटाफट ये मुद्दे की बात पर आए, आगे कहते हैं विद मोर देन 50% ऑफ यंग वोटर्स, यंग डेमोक्रेसी इज प्रो एक्टिव इन इंटरनेट यूसेज एंड थ्रू दिस डिजिटल इंडिया प्रोग्राम एम्पावरमेंट ऑफ यूथ इज बींग एम्ड एट। हम यूथ को एम्पावर कर रहे हैं। डिवेलपमेंट ऑफ हाई स्पीड इंटरनेट हाईवे एंड कनेक्टिविटी टू द रिमोटेस्ट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री हैज ओपनड डोर्स ऑफ एजुकेशन। बिल्कुल सही, क्योंकि स्टूडेंट्स कैसे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ये जो आप हमें डिस्क्रिप्टिव टेस्ट करके भेज रहे हैं, अगर नहीं होता इंटरनेट तो क्या हम आपके इस तरह से पेपर कंडक्ट करवा पाते? जी नहीं। आप बिलीव नहीं करोगे, जब आप लोग कॉल करते हो, फोन पे बात करते हो कि यस हम टायर 3 का प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, यू डोंट अंडरस्टैंड कि कैसे कंडक्ट होगा। बट वंस यू ज्वाइन अस देन यू रियलाइज कि ओ माय गॉड टेक्नोलॉजी का क्या यूज किया गया है। और पिनाकल में वी मेक द बेस्ट यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी। There's a plethora of online portals and distance learning courses for the students. E-library, online library portal for students was made available to cut the need of books at hand. ये अनक्लियर है। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड स्वयं प्रोग्राम ऑनलाइन फॉर स्किल डेवलपमेंट। नाउअडेज वर्चुअल क्लासरूम टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन विच थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द टीचर टीचेस एट मल्टीपल प्लेसेस विच वुड हैव बीन इम्पॉसिबल अर्लियर। द एंट्रेंस टेस्ट टू वेरियस इंस्टीट्यूट्स एंड जॉब्स आर नाउ बीइंग हेल्ड ऑनलाइन टू हेल्प द स्टूडेंट बाय गिविंग हिम अ फास्टर रिजल्ट एंड प्रोसेस। ई लॉकर सर्विस यूजिंग क्लाउड स्पेस हैज बीन introduced where certificates and other important documents would be saved had accessed from anywhere at any time through the direct benefit transfer program using bank accounts, Aadhaar and internet together, transfer scholarship and grants to the meritorious students, girl childs and SCST students directly into their account. As every project has teething problems, this initiative too faced a few hiccups. But in the long run, internet is definitely going to be a game changer for India's youth. Okay? Handwriting अच्छी नहीं है मोहित आपकी, थोड़ी handwriting को आप सुधारो। और अगर आप marks के breakups देखेंगे, आपको दिखेगा कि वहाँ पर handwriting में थोड़े कम number मिले हुए हैं। Okay? और अब हम चलते हैं अगले paper पर। मैं आपके लिए इनका लेटर ले रही हूँ। सेक्टर 99 MBT कॉलोनी GK रोड हैदराबाद 19th June 2018 टू द एडिटर द चैनल TKC चैनल KPS स्ट्रीट हैदराबाद। ओके, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर टेलीकास्टिंग अ प्रोग्राम रिगार्डिंग नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ वेस्टर्न कल्चर। सर, विद रेफरेंस टू द सब्जेक्ट मेंशनड अबव, आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर नोटिस अबाउट एन इंपॉर्टेंट सोशल इशू। देयर हैज बीन एन इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ वेस्टर्नाइजेशन इन आवर सोसाइटी। Youth in particular gets attracted towards new fashionable attires. Okay, gets attracted towards new fashionable attires. Embracing new culture. It is not wrong to accept a new tradition, but it should be harmonious with our customs. It is indeed, okay, आगे कहते हैं, it is indeed disappointing that people have actively celebrated Valentine's Day, but very few know about Kal Baisakhi that was on the same day. Through this letter, I would request you to telecast the side effects of Western culture and importance of practicing Indian culture, because it is said, one who forgets his culture forgets his roots and morals. I am expecting a positive response from your side. Okay, तो ये था इनका पेपर और इन्होंने बहुत ही अच्छा लेटर लिखकर भेजा। That's the reason it's been shared with you. Okay,
अब हम चलते हैं नेक्स्ट। सामने निखिल का पेपर है। निखिल जो है वारंगल से हमारे स्टूडेंट हैं और इन्होंने भी लाइव टेस्ट अटेम्प्ट किया है और मैं अब इनका जो पेपर है वो पढ़ रही हूँ। डिड वी एवर इन आर चाइल्डहुड इमेजिन इन आर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स दैट वी वुड बी वन क्लिक अवे फ्रॉम ऑर्डरिंग फूड, बुकिंग मूवी टिकट्स, लर्निंग न्यू कोर्सेज एंड पेइंग बिल्स। थैंक्स टू डिजिटलाइजेशन ऑफ 21st century एवरीथिंग इज पॉसिबल। डिजिटल इंडिया एम्स टू यूज सच टेक्नोलॉजी इन हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड। विद मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन बिलो 35 years ऑफ एज, इंडिया इज एट अ कंपेरेटिव एडवांटेज। डिजिटल इंडिया हेल्प्स इन एम्पावरिंग यूथ इन मेनी डायमेंशंस। डिस्पाइट सर्टन बॉटलनेक्स आर कंट्री हैज मेड सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स इन दिस फील्ड। ओके, आगे द स्किल इंडिया मिशन एनेबल्स यूथ टू अक्वायर की स्पेलिंग गड़बड़ है, न्यू स्किल्स ऑनलाइन। सिमिलरली NPTEL ऑफर्स ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्सेज। द मोर डिजिटली कनेक्टेड इंडिया इज, द मोर इज इट्स यूथ स्किल्ड एंड एम्पावर्ड। डिजिटल इंडिया ऑल्सो हेल्प्स इन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ यूथ। दे आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिकल डिबेट्स अक्रॉस सोशल मीडिया। यूथ आर एम्पावर्ड एज देयर वॉइस इज बींग हर्ड बाई मेनी। स्कीम्स लाइक डिजिटल पुलिस, शी बॉक्स हेल्प वीमेन टू लॉज कंप्लेन्स ऑनलाइन। इन दिस वे वीमेन आर एम्पावर्ड। हाउएवर देर आर सर्टन बॉटलनेक्स। इंटरनेट connectivity is low in rural areas, that is there is a digital divide in India. Language is also a barrier, especially for rural youth. The recent Ookla speed test report noticed that internet speed in India is low. Digital literacy is low in India. To bridge the gaps mentioned above, the government has rolled out BharatNet to connect 250,000 gram panchayats using optical fiber. Okay? और उसके बाद ये है यहाँ पर अभियान कुछ कटिंग हो गई है, इज लॉन्च टू एजुकेट पीपल। डिजिटल इंडिया ओपन्स अप अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म टू एम्पावर अस। इट इज नाउ आवर ड्यूटी टू यूज दैट प्लेटफॉर्म एंड बी अ पार्ट ऑफ इंडियाज ग्रोथ ट्रैजेक्टरी। वर्ड लिमिट को एक्सीड किया है। देखो इनके पेपर की अच्छी बातें आपको बताती हूँ। कंटेंट क्वालिटी बहुत अच्छी, रेलेवेंसी बहुत अच्छी, हैंडराइटिंग भी अच्छी, क्लियरली विजिबल पैराग्राफ्स वगैरह सब कुछ है। जैसा एक 24-25 साल का व्यक्ति लिखेगा बिल्कुल वैसा लिखा है, लेकिन इन्होंने वर्ड लिमिट को एक्सीड किया है। ओके, तो आप वर्ड लिमिट को न एक्सीड करें, 240 टू 250 के बीच में उसको खत्म करें। लिखने से पहले प्लान बनाएं, रफ ड्राफ्ट तैयार करें, उसके बाद लिखें। तो ऑल द बेस्ट आप सभी देखने वालों को। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।